आज हम लेकर आए हैं घिया आलू की रेसिपी, वो भी कुकर में। तो सबसे पहले कुकर को करेंगे गर्म, उसमें डाल देंगे तेल, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी पंचफोरन, हींग, एक सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता। सबको अच्छे से भूनने के बाद इसमें डाल देंगे हम प्याज बारीक कटी हुई। प्याज को जब अच्छे से फ्राई कर लेंगे तब डालेंगे इसमें घिया, साथ में डालेंगे बड़े बड़े टुकड़ों में कटा हुआ आलू और दोनों को अच्छे से 5 मिनट के लिए भूनेंगे गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर और ढक्कन को ढककर। 5 मिनट भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। तो हमने यहाँ पे ऐड किया है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और फिर सबको साथ में मिक्स करके फ्लेम को लो करके 10 मिनट तक के लिए पका लेंगे। जब मसाले अच्छे से भून जाएँ, थोड़ा थोड़ा चिपकने लग जाए और इससे तेल निकलने लगे, तब उसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, साथ में डालेंगे थोड़ी सी अमचूर पाउडर, साथ ही उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और फिर से इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए ढक कर पका लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी, तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए जितना डालना हो। और उसके बाद इसमें हम 2 से 3 सीटी आने देंगे। तो उसके बाद ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। घिया आलू की बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें, बनाएं और वीडियो पूरा देखें। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।